पलवल में बीजेपी के जन आशीर्वाद रैली का मंच। मंच पर पीएम मोदी का इंतजार करते नेता। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, सबकी निगाहें उन पर चाटी। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित मंच पर मौजूद सभी नेताओं को नमस्कार करते हुए आगे बढ़े और फिर सबसे पहले पार्टी के दिग्गज रामविलास शर्मा का हाथ थाम लिया। प्यार से उन्हें थपकी दी। ऐसा लगा जैसे जादू की झप्पी दे रहे हों। निजी रिश्तों की ये केमिस्ट्री फौरन सुर्खियों में छा गई, क्योंकि रामविलास शर्मा वही नेता है जिन्हें इस चुनाव में पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया था, वो भी तब जबकि वे महेंद्रगढ़ सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी के भीष्म पितामह तक कहे जाते हैं। तब रामविलास मन महसूस कर रह गए थे, लेकिन पार्टी के फैसलों को भावुक मन से ही सही सिर माथे पर रखा था। आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। शायद यही वजह थी कि मोदी से उनकी पुरानी करीबी और भी मजबूत हो गई। सबूत सामने है। कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने के साथ ही पलवल के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है, लेकिन साथियों, जब तक मोदी है, एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।